हेलो एंड वेलकम। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। आपको पता है क्लाइमेट ऑफ इंडिया पर ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हमने पढ़े हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर वो अवेलेबल है, आप वहाँ से ज्वाइन करके इन क्लाइमेट ऑफ इंडिया के 2 लेक्चर्स आप वहाँ पे देख सकते हैं। ये जो हमारा लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है, मैं हूँ उस्मान सर, मैं आपको कवर कराता हूँ जनरल अवेयरनेस, जिसका ये तीसरा टॉपिक है, जो भी इन एग्ज़ाम्स के लिए VLW फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट पटवारी नायब तहसीलदार एंड जो भी आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं जिनके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर मैं कवर कराऊंगा आपको जनरल अवेयरनेस के तमाम टॉपिक, और अभी हम जो है करंटली क्लाइमेट ऑफ इंडिया जो है कवर करने जा रहे हैं, इसका जो है ये तीसरा पार्ट रहने वाला है लेक्चर नंबर 3। टू द पॉइंट मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ। मैंने आपको पहले ही कहा 1-2 घंटे का लेक्चर में नहीं लाता हूँ, क्योंकि एक तो उसमें आप बोर हो जाते हैं, दूसरा आपको मेन चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स जो है वो आपको याद नहीं रहती, इसलिए टू द पॉइंट जो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स है वही मैं यहाँ पर आपके लिए लाता हूँ। ठीक है गाइज, आई होप आपको समझ आया होगा। इस लेक्चर की जो PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, दोनों की लिंक्स जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन करके इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दूसरा ये कि पहली बार जो विजिट कर रहा है हमारे चैनल के, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, और नीचे जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दे, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें, नया लेक्चर अपलोड करें, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर नंबर 3। क्लाइमेट ऑफ इंडिया, हमें क्लाइमेट ऑफ इंडिया के जो है मानसून कब होता है जो इंडिया में, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले, क्योंकि इस पर भी आपको JKSSB क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले जो है मानसून और पीरियोडिक विंड्स, मानसून जो है ये किसकी वजह से होता है, ये पीरियोडिक विंड्स होते हैं, पीरियड्स होते हैं, एक किस्म के विंड्स के जो ब्लो करती है फ्रॉम सी से लेकर लैंड की तरफ फॉर 6 मंथ्स। इनका जो पीरियड होता है वो 6 मंथ्स का होता है समर में, गर्मी में, एंड फ्रॉम लैंड टू सी, और लैंड से लेकर सी तक जो भी विंड्स ब्लो करती है 6 मंथ्स के लिए, वो विंटर में होती है। ठीक है गाइस, ये आपको याद होना चाहिए, मानसून और पीरियडिक विंड्स विच ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड 6 मंथ्स इन समर एंड लैंड टू सी फॉर 6 मंथ्स इन विंटर, ये आपको पॉइंट यहाँ पे याद रखना चाहिए। अब जो है मानसून प्रिवील को हमने ओवर इंडिया पर डिफरेंट सीजन्स के ऊपर हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया है। सबसे पहला जो है वो है साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून जो है ये क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ आएगा। और एक बात, अगर आपको किसी भी पॉइंट पे डाउट लगा, आप नीचे जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो साउथ वेस्ट मानसून, इसके बारे में आज पढ़ लेते हैं। दीज आर रेन बेयरिंग विंड्स, ये जो है ये रेन, ये कैसे बनता है साउथ वेस्ट मानसून, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दीज आर रेन बेयरिंग विंड्स प्रिवेलिंग फ्रॉम एंड मई टू द एंड ऑफ सेप्टेम्बर, ये रेन बेयरिंग विंड्स होती है जो प्रिवील होती है फ्रॉम एंड मई से लेकर एंड ऑफ सेप्टेम्बर तक ड्यूरिंग समर। अगर हम समर में बात करेंगे तो जो सन है ये वर्टिकली जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है। अब मैं आपको यहाँ पे मैप में समझाऊंगा, आपको वहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगा। ये हमारे पास मैप है, जैसा कि आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, एक मिनट, ऐसे ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता है ये बिल्कुल इंडिया के बीच में से फ्लो जो है लाइन गुजरती है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो है वो वर्टिकली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकली जो है सन अपने रेज फॉल करता है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं, यानी कि वर्टिकली ऐसे ऐसे जो है सन रे अपने जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होते हैं, इस तरह से जो है, इस तरह से सन अपने वर्टिकल लाइंस डालता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, जिसकी वजह से, उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से द इंडियन प्लेन्स इंटेंसली हॉट बट द रेज फॉल ओब्लिक्यूली ओवर द इंडियन ओशन ज्यूरिंग द पीरियड। इंडियन प्लेन्स जो है इंटेंसली हॉट होती है क्योंकि वर्टिकल लाइंस पड़ती है, वर्टिकली जो है सनलाइट उसके ऊपर पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, जिसकी वजह से बहुत ही इंडियन प्लेन्स हॉट होते हैं, बट द रेज, जो रेज फॉल करती है ओब्लिक्यूली ओवर द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन पे ओब्लिक्यूली ज्यूरिंग दिस पीरियड, द लैंड इज हॉटर देन द सी,
जो लैंड होती है वो बिल्कुल ज़्यादा गर्म होती है बनस्बत सी के, जो समंदर होता है। इट काजेज बिल्डिंग अप ऑफ लो प्रेशर ऑन द, ये क्या उसे क्या होता है, ये काज करता है बिल्डिंग ऑफ लो प्रेशर ऑन द सी एंड द विंड्स ब्लो फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर, क्योंकि जो विंड्स जो है वो ब्लो करती है फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर, क्योंकि समंदर पे जो है कम प्रेशर होता है, जिसकी वजह से जो है हाई प्रेशर ब्लो करती है विंड्स, हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर तक, ठीक है। फ्रॉम सी टू लैंड, जिसकी वजह से जो है, जो आपको पता है कि मई एंड सितंबर के बीच में इन महीनों में जो लैंड पे ज़्यादा गर्मी होती है। दस द विंड इज़ मॉइस्ट एंड व्हेन दे हिट ए माउंटेन द एट द माउंटेन द रेनफॉल इज ऑब्जर्व। अब आपको मैं यहाँ पे समझाऊंगा, यहाँ से बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, देखिएगा इस ये जो एरोज है ये विंड के एरोज है, कहाँ के भी है विंड के, कहाँ से ये निकलते हैं, ये निकलते हैं समंदर से, ये ब्लो विंड्स है, क्या है गाइस, ब्लो विंड्स, ये निकलते हैं समंदर से। जब समंदर से ये निकलते हैं तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हॉट रहता है, ठीक है। जब ये यहाँ तक पहुँचते हैं, इस वाले एरिया तक, यहाँ आपको पता है बड़े बड़े माउंटेन्स है, बड़े बड़े हिमालयाज है, जब यहाँ पे जो है ये ब्लो विंड्स जो सी से निकलते हैं, समंदर से निकलते हैं, वो हिट करते हैं इन बड़े बड़े माउंटेन्स को, इन बड़े बड़े हिमालयाज को, जिसकी वजह से जो है इनमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है इन एरिया में, जिसकी वजह से रेनफॉल होता है। आपको यहाँ पे याद रखना है, मई से लेकर सेप्टेम्बर तक जो है 90% जो है वो रेनफॉल होता है, ये आपको याद होना चाहिए। अब विंटर्स में क्या होता है, विंटर्स में बिल्कुल अलग थलग होता है। विंटर्स में जो ब्लो यहाँ से विंड्स होती हैं, जो यहाँ से विंड्स निकलती है वो जो है समंदर के यहाँ तक पहुँचती है, तो समंदर जो है वो हॉट रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मॉइस्चर पैदा होता है और इन एरियाज में फिर बारिश पड़ती है। वो कब होती है, वो विंटर्स में होती है, ठीक है। आई होप आपको ये इस मैप से पता चला होगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इंडिया मूनसून ऑनसेट मैप, यहाँ पे आप देख सकते हैं अराइवल डेट्स एंड कंपोनेंट्स। नॉर्थ ईस्ट विंटर कब होता है, 1 जून से लेकर 5 जून तक। साउथ वेस्ट समर, यानी कि ये वाला साउथ एंड वेस्ट, इस वाले एरिया में कब साउथ वेस्ट समर, इसमें कब मानसून होता है, 10 जून से लेकर 15 जून तक। एंड जो इंट्रो ट्रॉपिकल कन्वर्ज जून होता है, जिसको आईटी सीजर भी बोलते हैं, जून जुलाई में वहाँ पे यहाँ तक जो है ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, फ्रॉम 1 जुलाई से लेकर अगस्त तक। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन एरियाज़ पे, ये थोड़े डिम हैं, तो ये जो ये डिम एरियाज़ है, ये वाले इनमें जो है जुलाई अगस्त में ज़्यादातर जो है वो मानसून होता है, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा, चलिए आगे चलते हैं। अब जो है दस द विंड इज मॉइस्ट एंड व्हेन दे हिट द माउंटेन, जब वो माउंटेन को हिट करती है ये विंड्स, द रेनफॉल इज ऑब्जर्व, तो रेनफॉल होती है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अब आप रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से भी जो है वो मानसून ब्लो करती है ओवर इंडिया। इंडिया का मैप देखोगे, जब रोटेशन होती है, जब रोटेट, क्योंकि अर्थ जो है वो रोटेट करता है सन के अराउंड, जब अर्थ की रोटेशन होती है तो मानसून जो है, मानसून जो हवाएँ हैं, जो विंड्स है वो ब्लो करती है ओवर इंडिया पर, जिसकी वजह से जो है वहां पे मई टू सितंबर में ज्यादातर बारिश होती है। ड्यू टू दिस द इंडिया गेट्स 90% ऑफ इट्स रेनफॉल। सो 90% जो रेनफॉल पड़ता है कहां पे, इंडिया में जून से लेकर सितंबर तक, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा, और ये आपको याद भी रखना है 90% जो है रेनफॉल होता है किन महीनों में, मई से लेकर सितंबर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा, चलिए आगे चलते हैं। अब जो दूसरा पार्ट है जिसको हम मानसून में डिवाइड करते हैं, वो है नॉर्थ ईस्ट मानसून। ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट मानसून क्या है, ये भी हम देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, एज द सन मूव्स साउथवर्ड्स, जब सन मूव करता है साउथ की तरफ, इट्स रेज स्टार्ट्स फॉलिंग वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में आपको यहाँ पर समझाऊँगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किसे कहते हैं, 1 मिनट, ठीक है गाइस। ये रहा जो है वर्ल्ड मैप, तो ये बीच में से जो लाइन है ये वाली, इसको कहते हैं इक्वेटर। फिर
ऊपर से और एक लाइन जो है गुजरती है अबाउट 23 डिग्री, वो इंडिया को दो हिस्सों में तकसीम करती है, उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या कहते हैं गाइस? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये इंडिया के बिल्कुल बीच में से गुजरती है। और एक लाइन यहाँ पे नीचे 23 डिग्री पे जो है वो फॉल करती है इस तरह, उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये आपको याद होना चाहिए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये भी जो है 23 डिग्री पर लाइन पर होता है, 23 डिग्री लैटिट्यूड पर। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है, ये भी एक लैटिट्यूड है जो 23 डिग्री पर जो लाई करता है, जो बिल्कुल इंडिया को दो हिस्सों में तकसीम करता है। ये भी आपने पिछले लेक्चर्स में सुना होगा। सो इस वाली लाइन को, ये वाली जो लाइन है, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये आपको याद, यही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, यही आपको समझाना था। अब यहाँ पे क्या कह रही है, ये कह रहा है जो सन है वो मूव करता है साउथवर्ड की तरफ। सो यहाँ से जो इसके रेज है वो वर्टिकली फॉल होती है ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसकी वजह से क्या होता है, द एयर ओवर द इंडियन ओशन बिकम्स हॉट। इंडियन ओशन पे जो एयर रहता है वो ज़्यादा हॉट होता है एंड लाइट, और बिल्कुल लाइट होता है, काजिंग लो प्रेशर जोन। वो ओशनस में लो प्रेशर जोन फॉलो करता है, जिसकी वजह से जो सन लाइट जो है, सन रेज जो फॉल होती है ओब्लिगेटली ऑन द प्लेन्स ज्यूरिंग इंडिया ज्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर टू जैन, द विंड ब्लोज फ्रॉम प्लेन्स टू सी। अब जो है, पहले क्या होता था, पहले सी से लेकर लैंड तक ब्लो होती थी जो है विंड्स। अब क्या होता है, अब विंडस में जो अलग होता है, उसमें क्या होता है, अक्टूबर से जनवरी तक जो है प्लेन से जो है ब्लो करती है विंड्स, कहां तक, सी तक। द डिफेक्ट ऑफ द लेफ्ट आर नोन एज द डिफेक्ट ऑफ द लेफ्ट आर नोन एज, उसी को कहते हैं गाइस नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ आएगा, क्योंकि वेस्ट आपको पता है। सबसे पहले आपको मैं समझाऊंगा नॉर्थ ईस्ट मॉनसून किस तरह होता है, जो सन है वो मूव करता है साउथवर्ड की तरह, जो रेज पड़ती है इंडिया पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उस पर जो है वर्टिकली वो फॉलो करता है। तो वर्टिकली जो है रेज पड़ती है इंडिया के जो है प्लेन्स पर, उसकी वजह से क्या होता है, इंडियन ओशन जो है वो हॉट होते हैं एंड उस पे जो है लो प्रेशर काज होता है। जो रेज है वो फॉल करती है ओब्लिकी ऑन द प्लेन्स ऑफ इंडिया ज्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर सदम, जिससे जो है क्या, प्लेन से लेकर जो है ब्लो करती है विंड टू सी, जिससे जो है एक डिफ्लेक्ट होता है लेफ्ट को, जिसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, द ब्रिंग अबाउट 10% जो है वो रेनफॉल पड़ता है कहाँ पे, नॉर्थ में। ये आपको पता होना चाहिए, अक्टूबर टू जनवरी जो है 10% जो रेनफॉल जो होता है, जो हमने देखा है पिछले 5, 10, 30 साल से जो है हम बात कर रहे हैं, हम कल की बात नहीं कर रहे हैं, हम पिछले 10-30 साल की बात कर रहे हैं। तो 10% ऑफ रेनफॉल जो होता है पर ईयर कहाँ पे, जो है नॉर्थ इंडिया में, खास करके इन वाले महीनों में अक्टूबर टू जनवरी, खास करके ये कहाँ पे पाया जाए, तमिलनाडु में, क्योंकि वो बिल्कुल जो है साउथ के बिल्कुल नज़दीक है और एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर के भी नज़दीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगर आपको किसी जगह डाउट लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। ये थोड़ा सा टॉपिक जो था ये थोड़ा सा वास्ट था, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, आपको भी डिफ़िकल्ट लगा होगा, क्योंकि अगर आपने मैप्स अच्छे तरीके से नहीं पढ़े होंगे, अगर आपने विंड्स अच्छे तरीके से नहीं पढ़े, जेट विंड्स, जेट स्ट्रीम्स, ब्लो विंड्स, ट्रेड विंड्स, अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़े नहीं होंगे तो आपको ये जो है टॉपिक समझ नहीं आएगा। अगर आपने पहले से ही पढ़ा तो ये बहुत ही ईजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा ये वीडियो। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना इस वीडियो पर। अगर आपको डाउट लगा हो किसी जगह, हम उसको अगले वीडियो में कवर अप करेंगे। फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।